Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। जीरो ने पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और जीरो डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं एक, पर कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब 167 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर बेंगलुरु अर्बन के ही 156 केसेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक नई बीमारी जो फैल रही है केरला से, जहां आउटब्रेक हुआ है टोमेटो फीवर, टोमेटो फ्लू जिसे हम कहते हैं। स्वाइन फ्लू आपने सुना होगा, लेकिन टोमेटो फ्लू करके ये बीमारी केरला के अंदर काफी सारे बच्चों को हुई जो 5 साल के नीचे उम्र के हैं। करीब 80 से करीब बच्चों को ये बीमारी हुई है, जिसको चलते हुए अब कर्नाटक के अंदर भी हाई अलर्ट किया जा रहा है। यानी कि हेल्थ ऑफिशियल्स पूरे तौर से कर्नाटक के जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जो केरला से लगकर आते हैं, वहां पर काफी बड़ी स्क्रीनिंग की जा रही है और बच्चों के अंदर अगर बुखार वगैरह आ रहा है तो इस तरह के चेकअप की जा रही है कि कहीं उन्हें बच्चों को टोमेटो फ्लू तो नहीं हुआ है। डॉक्टर के सुधाकर ने सभी हेल्थ ऑफिशियल से कंसर्न भी लिया और उन्हें डायरेक्ट भी किया है कि सस्पेक्टेड केसेस को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जल्द से जल्द स्क्रीन अप करें। टोमेटो फ्लू या टोमेटो फीवर एक रेयर वायरल डिसीज है, जो कि रेड कलर के रैशेस होते हैं, स्किन इरिटेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है बच्चों के अंदर जो 5 साल के नीचे होते हैं। इन्फेक्शन का नाम इसलिए मिला है क्योंकि जो हाथों पे जो ब्लिस्टर्स आते हैं यानी छाले जो आते हैं वो बिल्कुल टोमेटो की तरह दिखते हैं, बच्चों को हो रहा है, इसीलिए इसका नाम टोमेटो फ्लू रखा गया है। और साथ साथ इसके अंदर हाई फीवर आपको होगा, सीवियर बॉडी एक, जॉइंट स्वेलिंग और थकावट से महसूस होगी। ये सिम्टम्स काफी सिमिलर हैं चिकनगुनिया के जैसे। डॉक्टर ने सभी पेरेंट्स को एडवाइस किया है कि आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाते रहें और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें समर में और रेनी डेज में। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर की बात कर रहे हैं जो कर्नाटक गवर्नमेंट से आया है लाउड स्पीकर्स के चलते, या लाउड स्पीकर्स का यूसेज के ऊपर ये नया जो नोटिफिकेशन आया मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जिसे पी रवि कुमार चीफ सेक्रेटरी ने सिग्नेचर किया है। ये सारा मामला चल रहा है 9 मई का, ये मामला चल रहा है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करने की बात चल रही है। 2005 18 जुलाई और 28 अक्टूबर 2005 को जो डायरेक्शन दिया गया था डेजिग्नेटिंग अथॉरिटीज के लिए, याद रखिए नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल बोर्ड के चलते हुए सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक, जिसे डे टाइम कहते हैं, और रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जिसे हम नाइट टाइम कहते हैं, उसमें किस तरह की लाउड स्पीकर पर आवाज़ रखनी चाहिए, वो सारा सर्कुलर जारी हो चुका है। इसको चलते हुए आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि कमिटीज़ बनाई गई हैं जिसे परमिशन लेना ज़रूरी है। यानी कि अगर आप मस्जिद मंदिर रहने दो या फिर अगर आप पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हो बाहर जहाँ पर आप स्पीकर्स लगाते हो, तो आपको रिटर्न में परमिशन लेना ज़रूरी है। याद रखिए 15 दिन का टाइम दिया गया है, ये सारा मामला चल रहा है। अगर पुलिस कमिश्नरेट एरिया अगर आपका आता है तो वहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ सिटी कॉर्पोरेशन या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अदर एरियाज की बात करें तो DYSP, जुरिस्डिक्शनल तहसीलदार, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब लोग जिम्मेदारी लेंगे अदर एरियाज में, जहाँ ये सभी चीज़ों को अप्लाई किया जा रहा है जहाँ पर लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाता है। नेसेसरी गवर्नमेंट ऑर्डर्स डायरेक्शंस शैल बी इशूड टू ऑल कंसर्न टू इम्प्लीमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट। तो जो भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हो, याद रखिए 15 दिन का टाइम दिया गया है ये सभी चीज़ों को परमिशन लेने के लिए। जो परमिशन नहीं लिया है वॉलंटरली, उन्हें स्पीकर्स को निकालना पड़ेगा या फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी आकर वो स्पीकर्स निकालेंगी, और एक कमिटी बनाई जाएगी हर डिफरेंट लेवल्स पे, ताकि जो है लाउड स्पीकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम का जो एप्लीकेशन है उसे डिसाइड किया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं 800 के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट की और मेंबरों ने सबमिट किया, डिमांड किया असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ धारवाड़ यूनिवर्सिटी जो कि क्वेश्चन पेपर लीक स्कैम के अंदर इन्वॉल्व रहे उन्हें अरेस्ट किया जाए। क्या मामला है, क्या इल्जाम है, आइए देखते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा पैसे लेके उन्होंने अपॉइंटमेंट लिए, तो आगे आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स इनसे क्या सीख पाएंगे? स्टूडेंट्स को ना इंसाफ दिला रहे, सभी को पकड़ना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जितना तेज हो सकता है उतना तेजी से होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के जो VC है उन्होंने डायरेक्टली करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं बोल के सभी स्कैम में सभी स्टूडेंट्स ही सफर हो रहे हैं। जितना अनएम्प्लॉयमेंट है, जितना ये क्राइसिस है, उसकी वजह से ये करप्शन का इतना बहुत बड़ा महल उठा रहे। स्टूडेंट बाईसाइकिल स्कैम क्या है, स्कैम और क्यों इस तरह के साइकिल्स पड़े हुए हैं गुलबर्गा शहर के अंदर? इरेस्पॉन्सिबिलिटी की बात चल रही है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की और साथ एजुकेशन बोर्ड नॉर्थ की। क्या मामला है, JDS की यूथ और एजुकेशनल स्टूडेंट यहां पर विजिट किए थे, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ये चीज़ों का जिम्मेदार कौन है? ये बहुत बड़ी चीज़ है कि साइकिल्स यहां पर स्क्रैप हो रही है, जो सप्ताह में है वो है या MLA मैडम हमारे वो है। एजुकेशन बेसिस पे जो स्टूडेंट्स को एक एसेसरी प्रोवाइड होती है, 200 साइकिल के तकरीबन 200 साइकिल के ऊपर यहाँ पर
स्क्रैप पड़े हुए हैं मुल्क के। हम बीओ से मुलाकात करे के बीओ हमको बोले 2017-18-19 से आए हुए हैं ये साइकिल, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे, यहाँ पर खराब हो रहे हैं पूरे साइकिल। मौसम एकदम बदल चुका है, आप समझ रहे होंगे भाई अचानक धूप काले में आपको जो है थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन इस तरह का मामला नहीं है। कहीं ना कहीं आसपास साइक्लोन आता हो तो इसके इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं 9 तारीख की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर एक साइक्लोन जैसा बनना शुरू हो चुका है। 10 तारीख को जैसे ही हिंदुस्तानी खाड़ी में आना शुरू होता है, इसका नाम आसानी साइक्लोन दिया गया है जो आंध्र प्रदेश को हिट कर रहा था, और 11 तारीख को ये आंध्र प्रदेश को हिट कर दिया है, जहाँ पर कई सारे रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं और आंध्र गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स बनाकर गरीब लोगों को जो इससे डिस्टर्ब हो चुके हैं उन्हें हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम दे रहा है। उसके वो चलते हुए जैसे कि आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश साइक्लोन वहाँ पर आ रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट इम्पैक्ट गुलबर्गा शहर में यहाँ तक पड़ रहा, तो अंदाज़ा लगाइए कि साइक्लोन की जगह पर कितना इफेक्ट पड़ता होगा। आखिर में हम बात करने वाले हैं एक करियर गाइडेंस सेमिनार की, जो कि ख्वाजा बंदनवाज़ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से रखा जा रहा है, जी हाँ, जिसके मीडिया पार्टनर है गोहैच। जी हाँ, ये 13 मई 2022 सुबह 10:30 से लेकर दोपहर के 12:30 बजे रहेगा KBN यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम के अंदर। जी हाँ, इसके स्पीकर जो आने हैं अपना वक्त देने के लिए वो है मोइनुद्दीन शेख, जो कि 25 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस रखते हैं आईटी सेक्टर में। उसके बाद हरप्रीत सिंह खंडियाल, जो कि 16 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस रखते हैं आईटी सेक्टर में, और सैयद आबिद अली, जो कि 18 साल से बढ़कर एक्सपीरियंस रखते हैं आईटी सेक्टर में। चाहे ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये सेमिनार अटेंड करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि इसके अंदर करियर गाइडेंस बताई जाएगी। जी हाँ, याद रखिए 13 मई सुबह 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक ये रहेगा KBN यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, यू आर वरीड अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू फील एट द एंड ऑफ योर लाइफ, व्हाट अबाउट राइट नाउ, लिव राइट दिस मिनट, दैट्स वेयर द जॉय इज एट। यानी कि इस तरह की बात की जा रही है कि आप अपनी जिंदगी किस तरह से खत्म करेंगे, क्या होगा जब, ये सोचने से अच्छा आप ये सोचिए कि अब का वक्त क्या चल रहा है, यानी कि ये जो मोमेंट आप जब सुन रहे होंगे ये मेरी आवाज, उस मोमेंट को लिव करें, यानी कि जिंदगी को जिए हर मिनट हर पल, तभी तो आपको मिलेगी खुशियां। यानी कि आगे का सोचकर आप गम ना करें या टेंशन ना लें, ये जो मोमेंट आपके हाथ में है उसका शुक्र करें और आगे बढ़ें। MAMPU College is the finest place for opportunities. Here I got the real value of high quality education. I got the real guidance from the qualified lecturers. Study ambience is perfectly commendable and the manifestation of talents and abilities is recognized. We are being groomed to become a responsible citizen of our country. MAMPU College of Science. Admissions are open for the academic year 2022-23. डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोगों ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी इस कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार फास्ट एक्यूरेट और रिलायबल। जी, आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डेली बुलेटिन इज पावर्ड बाय Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for Source and Sherwanis.